गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बालनिकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 60 संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th का चैप्टर जिसका शीर्षक क्या है, सुक्ति सुक्ति बक है, यानी सुक्तियों का गुच्छा, सुक्तियों का गुच्छा। तो देखो, इसमें हम ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें जो श्लोक दिए गए हैं, इसमें यानी जो श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों में हमें यानी कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की बात कही गई है, तो वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखो, पहला श्लोक है, पहला श्लोक क्या है, उद्मेन ही सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे, उद्मेन ही सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। उद्मेन ही सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। इसमें क्या बताया गया है कि उद्मेन यानी होता है परिश्रम, उद्मेन यानी परिश्रम, ही यानी ही, यानी परिश्रम से ही, परिश्रम से ही सिद्धंति यानी सिद्ध होते हैं अर्थात पूर्ण होते हैं। सिद्धंति सिद्धंति यानी पूर्ण होते हैं। उद्मेन ही सिद्धंति कार्याणि यानी कार्य यानी परिश्रम से ही कार्य पूर्ण होते हैं। परिश्रम करेंगे तो ही हमारे कार्य हम सफल होंगे। तो उद्मेन ही सिद्धंति कार्याणि यानी कार्य, और मनोरथ ही, मनोरथ यानी मन की इच्छा से, मनोरथ ही मन की इच्छा से, मन की इच्छा से यानी परिश्रम से ही कार्य हम जो, जैसे हम परिश्रम करेंगे, जैसा हमारा मनोरथ है, हम मन में हमने हमारे कामना है कि ये काम हमारा सफल हो जाए, है ना, तो उस सफल ये काम हमारा हो जाए तो उस काम को करने के लिए हमें परिश्रम तो करना पड़ेगा। और जब हम उस काम को सिद्ध करने के लिए, उसके लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उसके अनुकूल ही हमारी इच्छा है वो पूर्ण होती है, अर्थात हमारी मनोकामना वो पूर्ण होती है। उद्मेन सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथै, और कार्याणि न मनोरथै, न यानी नहीं, मनोरथै यानी मन की इच्छा से, सुप्तस्य यानी सोए हुए, सुप्तस्य सुप्तस्य यानी क्या होता है, सोए हुए। नहीं यानी नहीं, सुप्तस्य सिंहस्य यानी शेर, परिशंति यानी प्रवेश करता है, परिशंति प्रविशंति, प्रवेश करता है। मैम, हेलो मैम, इसमें हमें क्या बताया गया है, जैसे सोया हुआ शेर है, ठीक है, एक बार समझना कि शेर सो गया, और सो मतलब सोए हुए शेर के मुख में कोई पशु है, यानी शेर का परिश्रम क्या है, यानी शेर परिश्रम करेगा तो ही उसको चारा मिलेगा, भोजन मिलेगा, यानी वो भोजन के लिए शिकार करेगा, शिकार करेगा तो ही उसका वो हाथ बनेगा। अगर वो भोजन मतलब परिश्रम तो करेगा नहीं, यानी वो मेहनत तो करेगा नहीं, और जाके सो जाएगा, और सो जाएगा तो मन में ये सो जाएगा कि मैं मतलब है ना, कोई हिरण आए और मेरे मुख में प्रवेश कर जाए, लेकिन क्या वो पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि
परिश्रम, जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमारी जो मनोरथ मतलब जो हमारे मन की इच्छा है वो पूर्ण नहीं होगी। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में मृग है वो कभी भी आकर प्रवेश नहीं करता, यानी हमारा भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता, हमें उसके लिए थोड़ा कर्म भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें समझ में आएगा कि जैसे सुप्त से सिंह से मुखे को अपी पशु स्वयमेव न प्रविशन्ति, यानी जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में मृग स्वयं ही प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार कार्य परिश्रम से ही सफल होता है, इच्छाओं से नहीं। हमारे मन में इच्छा तो खूब सारी है लेकिन हम उसके लिए परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारी वो सफलता हासिल नहीं होगी। ओके, समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट वाला जो श्लोक है उसको देखते हैं। पुस्तके पठित है, पुस्तके पठित है पाठ है, जीवने ने साधिता किम भवेत तेन पाठेन जीवे जीवने योन सार्थक है। पुस्तके पठित है पाठ है, पुस्तके यानी पुस्तक में, पठित यानी पढ़ा गया, पाठ है यानी पाठ, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ है। जीवेन ने साधित है यानी जीवन में नहीं संभाला गया, यानी पुस्तक में जो पुस्तक में हमने पाठ तो अच्छा पढ़ लिया लेकिन हमने उसको अपने जीवन में लागू नहीं किया, हमने उसको जीवन में उतारा नहीं, अपने आचरण में उसको उतारा नहीं। किम भवेत तेन पाठेन, यानी उस पाठ से क्या लाभ, अर्थात जीवनो यो न निरर्थक है, अर्थात जो जीवन में संभाला ही नहीं गया तो जो सार्थक ही नहीं है तो उस पाठ से क्या लाभ। अर्थात ये क्या आपने लिख लिए होंगे, आगे वाले हैं उसका हम पुस्तके लिखो, इसके शब्दार्थ पुस्तके यानी होता है पुस्तक में। पुस्तके में अगला है पठिता यानी पढ़ा गया, पठिता यानी पढ़ा गया, साधिता यानी साधा गया, साधिता यानी साधा गया। किम भवे चैप्टर आर इधर चैप्टर आर सब बुक खुले खुले गया वो कुंडल का कुंडल ऑनलाइन कैसे सुन। क्या लाभ, नेक्स्ट है सार्थक है, सार्थक अरे वैसे भी बुक है पुनः काल में बुक थे तो मैं सब एव यानी ही यानी क्या यो यानी जो अब नेक्स्ट देखो, इसमें देखो सिद्धेंती पठित है, पुस्तके पठित है पाठेन जीवने ने साधिते, पुस्तकेन पठित है यानी पुस्तकों में पढ़ा गया पाठ जीवने नहीं है साधिक है, जीवन में अगर सार्थक ही नहीं है तो फिर ऐसे पाठ पढ़ने से क्या लाभ। समझ में आया? देखो यदि मानो पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करके पुस्तक को पढ़ा, पुस्तक में खूब सारा ज्ञान होता है ना, तो उस पुस्तकों को पढ़ने से अगर उस पुस्तकों में जो ज्ञान था उस ज्ञान को आपने अपने जीवन में ही नहीं उतारा, अर्थात ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन में सफलता ही प्राप्त नहीं करता है तो ज्ञान
सार्थक होता है। जो ज्ञान सार्थक होता है, कहने का मतलब है वही कार्य की सिद्धि करने वाला होता है। इसलिए हमें सार्थक ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए और उस सार्थक ज्ञान को ग्रहण करने से ही हमारे जीवन में सफलता हासिल होती है। और जब हम सार्थक ज्ञान ग्रहण कर ले तो उसको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, तभी हमारे लिए वो ज्ञान हो सार्थक होता है। ओके, अब नेक्स्ट है, देखो इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे जीवनम केन न साधितम, जीवन है वो किससे साधित नहीं है, तो पुस्तके पठित पाठ है, यानी पुस्तकों में पढ़े गए पाठों से। कस्मिन पठित पाठ है जीवन ने साधिते, यानी किस पठित पाठ से जीवन साधित नहीं, यानी पुस्तकों में पढ़ा गया जो पाठ है उससे जीवन साधित नहीं होता है। अगला देखो है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतु है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतु है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें देखो यही बात बताई गई है कि अगर हम प्रिय वचन बोलते हैं, ठीक है, हम अच्छी वाणी बोलते हैं, मधुर बात बोलते हैं, और उस बात को बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी बात बोलेंगे, तो सबको क्या लगेगा, अच्छा ही लगेगा। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वचन बोलने से सर्व यानी सभी जंतु यानी जंतु तुष्यंति यानी संतुष्ट होते हैं। तुष्यंति यानी क्या होता है, संतुष्ट होते हैं, यानी प्रिय वचन बोलने से यदि सभी जीव संतुष्ट होते हैं तो ऐसे वचन बोलने में कंजूसी किस बात की। अर्थात अगर हमारी वाणी ही एक सबसे बड़ा आभूषण माना गया है ना, तो अगर हम इसी से मधुर वाणी बोलकर प्रिय वचन बोलकर सबको अगर हम संतुष्ट करते हैं, सभी को अगर हम इस वाणी के द्वारा प्रसन्न कर देते हैं, तो इस वाणी से हमें, इस वाणी को बोलने में हमें कभी भी दरिद्रता अर्थात कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमेशा हमेशा हमें कैसे वचन बोलने चाहिए, मधुर और प्रिय वचन बोलने चाहिए। एक बार फिर से देखिए, देखना, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतु है, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रदानेन प्रदान करने से सर्वे यानी सभी जंतु यानी जंतु तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रिय मधुर वचन बोलने से यदि सभी जीव संतुष्ट होते हैं, तस्माद् प्रियम् हि वक्तव्यम्, तो प्रिय वचन ही बोलना चाहिए ना, वक्तव्यम् यानी बोलना चाहिए, प्रिय वचनम् यानी प्रिय वचन बोलना चाहिए, तो हमें प्रिय वचन बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, तो ऐसे वचन बोलने में किस प्रकार की कंजूसी, अर्थात हमें अच्छे वचन बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमें खुल के मधुर मधुर बातें बोलनी चाहिए, अच्छा व्यवहार, इसी से हमारा अच्छा व्यवहार बनता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे, तो देखना सर्वे यानी सभी, यहां लिख दूं क्या, सर्वे यानी सभी, देखो यहां लिख दो, सर्वे यानी क्या होता है, सभी, तुष्यंति यानी संतुष्ट, तुष्यंति यानी संतुष्ट होते हैं, दरिद्रता यानी कंजूसी, तस्माद् वक्तव्यम यानी कहना, वक्तव्यम यानी कहना। तो देखो हमें वचन कैसे बोलने चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए। मधुर वचन बोलने से क्या फायदा है, यानी सभी जंतु प्रसन्न होते हैं और हम भी प्रसन्न होते हैं, है ना। तो देखो एक रहीम जी का दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो इसी से
संबंधित है ये कि वाणी को ऐसा बोलना चाहिए कि हमारा मन में जो अहंकार है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, और जो सुनने वाला है वो भी मतलब उसका स्वभाव भी मतलब अच्छा रहेगा, और बोलने वाले का भी मन शीतल हो जाएगा, अर्थात ठंडा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, है ना। तो देखो, यानी सभी मानव प्रिय वचनों के कहने से प्रसन्न होते हैं, अतः मीठा बोलना चाहिए। क्या कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। मीठे का मतलब ये नहीं है कि मतलब मीठा खाकर बोले, नहीं, अच्छी बात बोलनी चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, है ना। यानी प्रेम युक्त बातें बोलनी चाहिए, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, और मधुर बोलने से कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब आगे देखो नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट वाला है, उसको ध्यान से देखेगा। देखो एक बार, ये लिख लिया होगा सभी ने, अब नेक्स्ट वाला श्लोक है, गच्छन पिपीली को याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वेन तेयोपि मदमेकम न गच्छति। गच्छन पिपीला को याति, गच्छन यानी चलती हुई, पिपीलिका यानी क्या होती है, चिट्टी, चिट्टी होती है। पिपीलिका का अर्थ क्या होता है, जैसे हमने सबसे पहले जो शब्द परिचय है पाठ फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, तीनों चैप्टर हम इसी से संबंधित पढ़े थे। पिपीलिका का एक मतलब चित्र भी दिया था और उसका नीचे शब्द भी लिखा था, और हमें पूछा था कि इसका अर्थ क्या होता है। पिपीलिका यानी क्या होती है, चिंटी होती है। याति यानी पार करती है। योजना नाम यानी, योजना नाम यानी चार कोस, अर्थात लगभग चार कोस में कितने किलोमीटर होते हैं, 12 किलोमीटर होते हैं। चार कोस में कितने किलोमीटर होते हैं, 12 किलोमीटर होते हैं। अगच्छन यानी न चलता हुआ, अगच्छन यानी न चलता हुआ। वेतनेन यानी गरुड़, वैनते यानी क्या होता है, गरुड़, अपि यानी भी, पदम यानी कदम, न यानी नहीं, गस्ती यानी जाता है। तो देखो पहले तो हम इसका करेंगे शब्दार्थ। तो लिखो, गच्छन यानी चलती हुई, गच्छन यानी चलती हुई, पिपीलिका यानी चिंटी। मैम आप सेंड करोगे क्या इसको? यस बेटा, पिपीलिका यानी चिंटी। याति यानी पार करती है। याति यानी पार करती है। सत्यान्यपि का मतलब क्या होता है, सैकड़ों। सैकड़ों अगच्छन, अगच्छन, अगच्छन यानी न चलता हुआ। अगच्छन यानी न चलता हुआ। वैनतेये, वैनतेये यानी क्या होता है, गरुड़। गरुड़ जानते होगा क्या होता है, पक्षियों का राजा होता है ये गरुड़। पदम यानी कदम,
पदम यानी कदम, योजना नाम। योजना नाम यानी क्या होता है? चार कोस। चार कोस यानी लगभग 12 किलोमीटर। लगभग 12 किलोमीटर। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि चिट्टी चलते चलते, चिट्टी है वो चलते चलते सैकड़ों योजन पार कर लेती है। चलते चलते सैकड़ों योजन पार कर लेती है और न चलने वाला गरुड़ है वो एक कदम भी नहीं जाता है। यानी चलने वाला है वो तो 100 कोस पार कर लेता है ना, और नहीं चलने वाला होता है वो एक कदम भी नहीं चल पाता है। जिस प्रकार यानी चींटी यदि लगातार चलती है, वो चींटी लगातार चलती रहती है ना, तो चींटी लगातार चलती है तो वह सैकड़ों योजन चली जाती है, यानी कोसों दूर चली जाती है। चार कोस का मतलब एक योजन। चार कोस में होता है एक योजन, और एक योजन मतलब लगभग 12 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि यदि चींटी लगातार चलती है तो वह सैकड़ों योजन चली जाती है, और परंतु न जाता हुआ तो तेज गति वाला गिद्दड़ भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं, सॉरी गरुड़ भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। समझ में आया? कहने का मतलब यह है जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे अपनी गति चाहे धीरे ही हो, अगर हम कंटिन्यू चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, किसकी तरह? चिट्टी की तरह, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारे पास, अगर हमें ये मानो कि आप, हम अपनी पढ़ाई से संबंधित ही ले लें, ये मानो कि आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, आपको अच्छा सीखना है, तो जैसे जैसे आपको रोज जो पढ़ाया जाता है उसको रोज आप, जितना पढ़ाया जाता है उतना आप रोज उसको पढ़ा करो। अगर रोज उसको पढ़ते हो तो साल के अंत तक आपकी गति तो वैसे ही है, कभी ऐसे तो नहीं है कि कभी धीरे भागे कभी तेज भागे, ऐसे तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, और रोज अगर हम अपना काम करेंगे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। और यदि, और पढ़ने वाले भी हैं हम, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, जब एग्जाम आएगी तब पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगी तब पढ़ लेंगे, और एग्जाम आएगी तब, इन पढ़ने वाले तो सब होते हैं, सब समान होते हैं, सबको पढ़ना आता है, अच्छा ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन फिर भी वो मतलब जिस आलस से पढ़ा था ना, आलस से ही शत्रु नाम महान, मनुष्य नाम शत्रु, मनुष्य क्या शत्रु है वो, क्या कौन है? आलस है। तो हमारे अंदर जो आलस आता है वो ही हमें पीछे धकेलता है, तो इसीलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। जो कार्य हमारा है वो कंटिन्यू वैसे ही करते रहना चाहिए। जैसे आपको डेली का होमवर्क दिया जाता है, लर्न करने के लिए दिया जाता है ना, तो आप साथ साथ में उसको याद करते जाओ। ऐसे नहीं कि हमें तो पढ़ना ही नहीं है, क्लास होगी स्कूल खुलेगी तब पढ़ेंगे, नहीं, अभी भी क्लास तो अभी भी हो रही है बेटा, है ना। जैसे जैसे आपको, जैसे वीडियो में जो भी समझ में आता है, जो समझ में नहीं आता है वो आप पूछ लो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी समझ में आता है आप उतना तो पढ़ो, है ना, जो नहीं आता है वो आप नेक्स्ट डे आओ तो पूछ लो। तो कहने का, तो जिस प्रकार चींटी, उदाहरण दिया यहाँ पर, जिस प्रकार चींटी, हमें किसकी तरह चलना है? चींटी की तरह चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है, हमें धीरे 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 अपने कदम है वो आगे बढ़ाते रहना है। चलने वाला है वो तो चलता रहेगा,
और जो चलने वाला है वो 100 योजन पार कर लेता है, लेकिन जो नहीं चलने वाला है वो एक कदम भी नहीं चल पाता है, जैसे गरुड़ है वो एक कदम भी नहीं चल पाता है। ओके, समझ में आया? अब नेक्स्ट श्लोक है वो देखो, काका है कृष्ण है पिका कृष्ण है, काका है कृष्ण है पिका कृष्ण है, क भेद पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते काका काका पिका पिका। देखो, का कह कृष्ण पिक कृष्ण कह भेद पिक का कयो वसंत काले संप्राप्ते का कह पिक पिक। यानी कौवा भी कैसा होता है? काला होता है। कोयल भी कैसी होती है? काली होती है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। अर्थात जब वो दोनों पास में रहते हैं तो उसमें कौन भेद कर सकता है कि ये कौवा है ये कोयल है? अर्थात कोई नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? वसंत ऋतु कर सकती है उसमें भेद, कौवा काला होता है और कोयल काली होती है, दोनों में कौन भेद कर सकता है? जब वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, वसंत काले संप्राप्ते, संप्राप्ते यानी आरंभ होता है, तब कौवा कौवा ही होता है, कोयल कोयल ही होती है। कैसे होती है? क्योंकि कड़वा कौवा है वो तो कर्कस आवाज में काव 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 करता रहता है, और कोयल है वो वसंत ऋतु में मधुर आवाज से कूकती है, तब पता चल जाता है ना कि ये कोयल है और ये कौवा है। समझ में आया? काका यानी होता है कौवा, कृष्णा यानी होता है काला, पिका यानी होती है कोयल, कृष्णा यानी काली, यानी कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कह यानी कौन, भेद यानी भेद कर सकता है, पिका काका कोयल और कौवे में कौन भेद कर सकता है? वसंत काले संप्राप्त, वसंत ऋतु का जैसे ही आगमन होता है तब पता चल जाता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल तो कोयल ही होती है। क्यों? उसकी वाणी से पता लगता है, क्योंकि कड़वे आवाज में कौन बोलता है? कौवा। कौवा है उसकी कर्कश आवाज है और कोयल की मधुर आवाज है, सुरीली आवाज है, इसलिए वसंत ऋतु में ही उसका पता चलता है। अब देखो इसके शब्दार्थ लिखो, जैसे काका यानी कौवा, पिका यानी कोयल, कृष्णा यानी काला, कह यानी कौन, संप्राप्त यानी प्रारंभ में, वसंत काले संप्राप्ते काके काके कौवा कौवा ही होता है, पिके पिके कोयल कोयल ही होती है। समझ में आया होगा? अब देखो इसमें बताया गया है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, परंतु उन दोनों के गुणों का ज्ञान तथा पहचान वसंत के आने पर ही होती है। कौवे में कैसे गुण है, कोयल में कैसे गुण है, कोयल कौन सी है, कौवा कौन सा, ये जो पहचान है ये तो वसंत ऋतु आने पर ही होती है। क्योंकि कौवा है वो कटु आवाज में बोलता है, जबकि कोयल है वो मधुर स्वर में गाती है अर्थात कूकती है। समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो इसका सरलार्थ किया है, अनुवाद किया है, तो स्टूडेंट्स आपको भी एक बार प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा था ना कि हमें एक पिपीली का यानी चिंटी की तरह चलते रहना है, है ना? चाहे हम एक श्लोक समझ में आए तो एक पढ़ो, दो आए तो दो पढ़ो, तीन आए तो तीन पढ़ो, अगर पूरे समझ में आए तो पूरे पढ़ो,
है ना, जितने समझ में आए हैं वो आपको एक बार घर जाके पढ़ना जरूर है। जो श्लोक समझ में नहीं आए, जो शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए, वो आप नेक्स्ट क्लास में आओ तब आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिएगा, जो शब्दार्थ करवाए हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।